नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक बॉडी से चैनल पे। तो दोस्तों, अगले महीने में अफगानिस्तान आ रही है इंडिया में 3 T20 मुकाबले खेलने। ये तीनों T20 मुकाबले 11 जनवरी, 14 जनवरी और 17 जनवरी को खेले जाएंगे। 11 जनवरी को खेला जाएगा IS बिंद्रा स्टेडियम मोहाली में, 14 जनवरी को खेला जाएगा होलकर स्टेडियम इंदौर में। तीसरा और अंतिम जो मुकाबला है वो खेला जाएगा M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। ये सीरीज हर लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहेगी, खासकर वर्ल्ड कप 2024 को लेके, क्योंकि इस सीरीज से काफी चीजें क्लियर होगी कि आने वाले टाइम में इंडियन टीम किस स्क्वाड को तवज्जो देती है T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से। क्योंकि पिछले दिनों जो बयान आया था सूर्य कुमार यादव का, उनका कहना यही था कि जितने भी मैच खेले जा रहे हैं ये आने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारी को लेकर खेले जा रहे हैं। यानी कि ये स्क्वाड जो है लगभग वही स्क्वाड रहेगा जो कि T20 वर्ल्ड कप में जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा इस बार कैप्टनसी करते नजर भी आएंगे, लेकिन अगला जो भी विश्व कप होगा उसमें उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली से आगे का प्लान अब BCCI कर चुकी है। वहीं अगर अफगानिस्तान टीम की बात की जाए तो अफगानिस्तान के जितने भी प्लेयर हैं वो कहीं ना कहीं T20 लीग खेलते रहते हैं, इसलिए उनका परफॉर्मेंस जो है वो काफी बेहतरीन नजर आता है। किसी भी मैच को खेलते हैं वो तो बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह खेलते हैं, और वैसे भी अफगानिस्तान को क्रिकेट खेलते हुए उतना समय नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी समय हुआ उसमें टीम ने काफी अच्छी ग्रो की है। तो बहरहाल अगर तीसरे T20 मैच क्रिकेट की बात करूं जो कि 17 जनवरी 2024 को खेला जाएगा M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, तो अभी अगर इस मैच के टिकट की बात करेंगे तो इस मैच की टिकटें अभी बुकिंग के लिए नहीं खोली गई लाइनें। ATM इंसाइडर पे देखेंगे तो इस मैच के लाइव स्क्रीनिंग की टिकटें जो हैं वो बुकिंग के लिए खोल दी गई है। अगर आपको लाइव स्क्रीनिंग वाली टिकट बुक करनी है तो जाके आप ATM इंसाइडर से बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्टेडियम वाली टिकट बुक करनी है तो अभी आपको कुछ दिन का और वेट करना पड़ेगा। अभी इसके बारे में कोई नया अपडेट आया नहीं है। पिछला अपडेट जो था कि 25 दिसंबर के आसपास आएगा, उस डेट को बढ़ाते हुए ये कहा गया है कि ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि जनवरी के पहले हफ्ते में इस मैच की टिकटें आएंगी। तो फिलहाल अगर आपको टिकट बुक करनी है तो अभी आपको कुछ दिन का और वेट करना है। जब भी इसकी टिकटें आएंगी या कोई नया अपडेट आएगा तो वो मैं आपके सामने ला के देने की जरूर कोशिश करूंगा।